आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। और जम्मू एंड कश्मीर जो है इलेक्शंस 3 फेजेज में होंगे 18 सितंबर से, और रिजल्ट अक्टूबर को आएगा, 4 अक्टूबर को आएगा। तो देखेंगे। देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ आज आखिरी दिन है 10,000 MCQ बैच का। आज के दिन आप कोर्स में एनरोल कर लें, क्योंकि इसके बाद हम फिलहाल के लिए तो बैच बंद कर देंगे। लास्ट कुछ सीटें बची हैं। 10,000 कूपन कोड आप जैसे ही यूज़ करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिख गया है, 3 क्लासेस हुई हैं अभी, जिसमें से 2 तो पब्लिक ही हैं, और PDF हिंदी इंग्लिश दोनों ही, मतलब कोई भी एग्जाम आपका छूटेगा नहीं, हमारा वादा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं। अब देखिए, 90 सीटें हैं, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली वाला जैसा हाल है, ठीक है ना। फेज 1, फेज 2, फेज 3 में जगह जगह आप देख सकते हैं कि इस तरीके के इलेक्शंस होंगे। ओके, तो इसमें 18 सितंबर का फेज 1, 25 और 1 अक्टूबर का फेज 2, फेज 3। तो आपको पता है कि यहाँ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब 370 को चैलेंज किया गया था, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया था कि भाई देखिए, आप कुछ भी करके सितंबर तक इलेक्शन करवाइए। वैसे तो सरकार इलेक्शन नहीं करवाती, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए सितंबर में ही कराए। अगर, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है कश्मीर, क्या जम्मू में हिंसा हो रही है, तो कोई तो अथॉरिटी चाहिए ना। ठीक है, आर्मी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इलेक्शंस को हैम्पर करने की पूरी तैयारी है। तो वोटर तो रेडी ही हैं और सोल्जर्स भी रेडी हैं। तो ये पूरा लद्दाख है जो कि यूनियन टेरिटरी, यहां पे इलेक्शन नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर में पूरे इलेक्शन होंगे, राइट। तो यहां पे तो प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो गई है। ग्राउंड रियलिटीज को कंसिडर किया जा रहा है, जो पिछले इलेक्शन हैं, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी कमर जो है वो कस ली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो बहुत आसान तो नहीं होते हैं। आखिरी बार जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें बीजेपी और PDP की सरकार थी, है ना। महबूबा मुफ्ती जो है वो CM थी, बाद में BJP हट गई, और उसके बाद फिर PDP ही रह गई, और वो भी हट गई बाद में। फिर 2019 में 370 ही हट गया, तो यूनियन टेरिटरी हो गया ये। एंड देन हम देखते हैं कि फिर 2 साल बाद चीज़ें नॉर्मल हुई, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू की। ओके, तो ये हिसाब किताब है। तो यहाँ पे लोकसभा जो पोल्स हैं, दे कंडक्टेड इट वेरी सक्सेसफुली। और मैंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये हम बधाई देंगे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस इलेक्शन को करवाया है, जितने भी हुए हैं। तो ये हिसाब किताब है। क्राइम है ना, क्राइम से याद आया, कल हमने कोलकाता रेप केस की बात की है, तो क्राइम अफेयर्स पे मैंने वो किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो एक तरीके से वॉयलेंस यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला। हर कोई इलेक्शन चाहता है, कश्मीर वाले भी चाहते हैं कि भैया इलेक्शन करवा दो, है ना। वो भी परेशान है, क्योंकि भाई देखिए, हर किसी को पैसा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, नो डाउट, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो भाई कश्मीर वाले भी कहते हैं कि भैया अब तो हमको रोटी कपड़ा मकान दो, हम कब तक आतंकवाद में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो ये है। तो अभी देखा आपने कि जम्मू में बहुत भयानक एनकाउंटर्स हुए हैं, मुठभेड़ लगातार हुई है, लेकिन एक बार इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली नॉर्मलसी आएगी। OGW, ओवरग्राउंड वर्कर, जो कश्मीर के ही कुछ लोग, हर नहीं, वैसे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन कुछ आतंकवादी की मदद करते हैं। तो इसीलिए सोशल और पॉलिटिकल डोमेन्स में नॉर्मलसी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, 1996 की बात करें तो 1990 से बेसिकली यहाँ पे टेररिज्म शुरू हुआ है। पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व था, लेकिन बाद में जब आर्मी गई वहाँ पे तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से खदेड़ा। भारत ने बोला कि भाई इलेक्शन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कि 1990 के बाद से अगले 6 साल तक आर्मी का पूरा राज रहा था वहाँ पे, आसपा लगाया गया था, प्रेसिडेंट रूल था, तो काफ़ी चीज़ें हुई उस समय। तब यहाँ पे बोला सरकार ने कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इलेक्शन करवाएं। वोटर टर्नआउट बहुत कम था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत हो गई थी, और इससे जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हुए। ओके, आतंकवादियों को हमेशा इससे डर लगता है, ठीक है, क्योंकि देखिए लोग इससे एम्पावर होते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव टूल होता है, लोगों में भरोसा जगता है, और एक बार लोगों में भरोसा जगेगा ना तो फिर कोई ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। तो वॉयलेंस बहुत था, लेकिन 1996, 2002, 8, 1996 से तो लगातार इलेक्शन हो रहे। जब इलेक्शन हुए जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देखा, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए, ठीक है। सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट था, हाई लेवल ऑफ वॉयलेंस था, बट जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसने पूरे रीजन को स्टेबिलाइज किया,
और पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की कि इतना कुछ हो गया है, लेकिन ये होता है देश जो इतना कुछ होने के बावजूद, अगर चाइना में ये होता तो अब तक सबको उड़ा दिया होता या कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे डाल दिया होता, लेकिन भारत ने इसका संज्ञान लिया और भारत ने इलेक्शंस करवाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इलेक्शन से बहुत ही, ये यूनाइटेड नेशन भी मानता है, रेजोल्यूशन का पार्ट होता है जो उनके पीस कीपिंग मिशन होते हैं। पीस कीपिंग मिशन इसीलिए ही होता है कि भाई होता क्या है कि जहां पे अनस्टेबिलिटी है वहां पे पहले नॉर्मलसी लाओ और उसके बाद इलेक्शन करवाओ, राइट। एक चुनी हुई सरकार आए, ये बेस्ट है, यही होता ही है ना। तो जम्मू कश्मीर में जो पीपल सेंटर की स्ट्रैटेजी है और जो सफिशियंट रिसोर्सेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे वॉयलेंस को खत्म करने में। एलओसी जो है, हाई वोटर टर्नआउट हमको देखने को मिला, और इससे जो उधर वाला कश्मीर है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको भी एक लेसन जाता है कि हम तो यहां पे इतना अच्छा लोगों के लिए सोच रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो वहां पे फिर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाएगा, समझ रहे। तो लोकसभा इलेक्शन मई 2024 में हो गए और ये एक अच्छा इंडिकेटर था कि पॉलिटिकल और सोशल रेडीनेस है, अभी हम तैयार हैं, ठीक है। कुछ ऑकवर्डनेस है लेकिन मोर और लेस सारी पार्टीज इसको जो है वो सपोर्ट करेंगी। तो 58% वोटर टर्नआउट, तो एक अच्छा इंडिकेटर है, राइट। तो इट्स अ गुड थिंग, अगर मान लीजिए आधी जनता भी आ जाती है स्पेशली जम्मू कश्मीर में तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 5 साल यहाँ पे कुछ रहा नहीं। हालांकि आपको बता दूं कि जो मनोज सिन्हा है वो बहुत ही ज़बरदस्त लीडर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी उनके समय में नहीं हुई, ठीक है। और उनको जब वो उनको भेजा गया था, मुझे याद है कि मनोज सिन्हा का नाम आया था, BHU IIT है। तो 2017 में जब यूपी के इलेक्शन हुए थे विधानसभा, तब ये था कि किसको बनाया जाए, दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा, योगी आदित्यनाथ। उस समय मैं चाहता था कि मनोज सिन्हा बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ का काम अच्छा रहा यूपी में। तो एक तरीके से क्लोजर इंटीग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो जो 2019 में लोकसभा इलेक्शन थे, मतलब जो अभी इलेक्शन हुए 2024 में, वो 58%, तो इसका मतलब 58%, आप समझ रहे हो, 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यानी कि लोग चाह रहे हैं, लोग वोट करने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए, और अब देखिए अल्टीमेटली क्या है, मेरा तो भाई ये मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर को फुल स्टेटहुड देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पूर्ण राज्य दो, बट अगेन ये धीमे धीमे होगा, ठीक है ना। तो इलेक्शन जो है वो एक स्टेटहुड को रिस्टोर करने का भी बहुत बढ़िया, और पाकिस्तान इस समय रो रहा होगा, ठीक है। सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स गए भाड़ में, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट कर दिया तो खेल खत्म। अब जम्मू को भूल जाइए आप, ठीक है ना। देखिए यहाँ इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में 1990s में 2000 में वो कंडक्ट किए गए थे, वायलेंस थी, OGW का सपोर्ट था वहाँ पे, कश्मीर के कुछ लोग जो है वो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे थे, इंडियन फोर्सेस ने मैनेज कर लिया था, ठीक है ना। लेकिन जो जम्मू सिंड्रोम है ना, ये कई बार परसेप्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई जम्मू में जो है वहाँ पे वो जम्मू में ही, जब पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो BJP जम्मू में आई थी, ठीक है। और जम्मू घाटी वाला एरिया नहीं है, घाटी अलग है। अब जम्मू में वायलेंस नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो वायलेंस। आतंकवाद की घटना कश्मीर में होती थी, कश्मीर में आर्मी ने कंट्रोल पा लिया, एक ग्रिड बना दी, प्रॉपर ग्रिड, वहां पे नहीं। तो अब आतंकवादी वहां पे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो जम्मू में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, समझ रहे हो। तो जो पीर पंजाल रेन है, काफी रग्ड एंड फॉरेस्ट है, जम्मू और कश्मीर को सेपरेट करती है, जम्मू इधर और कश्मीर उस साइड आता है, तो टेररिस्ट को ये प्रिवेंट करता है। और पाकिस्तानी टीम्स जो है, आपको बता दो कि जो भी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के जवान हैं और जो उनकी बॉर्डर एक्शन टीम है, वो पूरा आतंकवादी, वो आतंकवादी ही आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, मार मार के भगा रही आतंकवादियों को, जो भी इस समय सिर्फ और सिर्फ वहाँ के फॉरेस्टेड एरियाज में ही है। तो ये जो आतंकवादी है, ये इस समय असेंबली इलेक्शन को नहीं करेंगे डिसरप्ट, क्योंकि एक तो फोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कैपेबिलिटी भी इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर विलेज डिफेंस कमेटी भी इनको मैनेज कर लेंगी। इस समय कश्मीर का हर इंसान यही चाह रहा है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन हो, तो बहुत अच्छी खबर है और डेफिनेटली इससे चीज़ें बेहतर होंगी। और जैसा कि हमने बताया कि हमारा आज का आखिरी दिन है, 10,000 MCQ बैच को आप फटाक से अवेल करें। थैंक यू सो मच।